हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 21 जनवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। आरबीएल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ है वो कौन बने हैं? ये बने हैं, ऑप्शन नंबर आया यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, यहाँ पर विश्ववीर आहूजा, यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इससे पहले भी आहूजा जी जो हैं वो यहाँ के यहाँ पर सीईओ ऑलरेडी यहाँ पर थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आरबीएल बैंक की बात करें, स्थापना हुई है 1943 में मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर है और आहूजा जी हैं वो हैं यहाँ के सीईओ और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, यहाँ पर एसएस मल्लिकार्जुन राव यहाँ के सीईओ हैं। अमिताभ चौधरी जो हैं ये है एक्सिस बैंक के सीईओ, संदीप बख्शी हैं आईसीआईसी बैंक के और शशिधर जगदीशन हैं एचडीएफसी बैंक के और लिंगम वेंकट प्रभाकर है कैनरा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है ए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ पर, और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से शुरू की गई नई सरकारी योजना है। इसका नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021 रखा गया है और इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है, जिससे कि अपनी काबिलियत के दम पर जो युवा हैं वो यहाँ पर बेरोजगार ना रहें और आर्थिक तंगी से उभर सकें और अच्छी नौकरियां पा सकें और अपनी काबिलियत के दम पर। इस बार के देखो प्रमुख जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनके बारे में जानते हैं। ओणम है केरल का, बिहू है असम का, बैसाखी है पंजाब का, लोसांग है सिक्किम का, छठ पूजा है बिहार का, पोंगल है तमिलनाडु का, गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का, होर्नबिल महोत्सव है नागालैंड का, आदि महोत्सव है यहाँ पर लेह लद्दाख का और चापचारकूट महोत्सव है मिजोरम का त्यौहार। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है यहाँ पर विश्वजीत चटर्जी, और ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता योगदान के लिए यहाँ पर इनको यहाँ पर इसे सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार चटर्जी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर की गई है। अगर यहां पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं तो इसे भी पूरा कीजिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 डीआरडीओ ने दिया है, ये किसको दिया है? हेमंत कुमार को। पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है 2020 का। इसके अलावा एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल स्टोनबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन और कमला हैरिस यहां पर सम्मानित की गई हैं। रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज है ये इमैनुअल और यहाँ पर जेनिफर है इनको यहाँ पर दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के लिए यहाँ पर रोजर रेनहोर्ड और एंड्रिया गेज जो है इनको दिया गया है। साहित्य के लिए यहाँ पर लुईस ग्लुक को और अर्थशास्त्र है इसके लिए पोल और रॉबर्ट को दिया गया है। मेडिसिन के लिए यहाँ पर हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइट और माइकल हॉगवर्ट हांगटन जो है इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। WHO के बारे में बात करते हैं। कार्यकारी जो बोर्ड है इसके 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ये की है बी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी 148वें सत्र की जो डिजिटल यहाँ पर रूप से अध्यक्षता की है यहाँ पर, ठीक है। और कार्यकारी बोर्ड जो है 148वां सत्र जनवरी 2021 से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1948 7 अप्रैल को हुई थी और मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडेनोम। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया है केरल के अंदर। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास वाला ये देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुंझा
में शुरू किया गया है यहाँ पर। और इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य यहाँ पर प्रदर्शनियों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन, केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। अगर हम भारत की पहली चीजों के बारे में बात करें तो देखो, सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू की गई थी, टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, चंदन संग्रहालय कर्नाटक में, मार्स गार्डन जो है यहाँ पर ये उत्तराखंड में, और कवक पार्क है ये है यहाँ पर उत्तराखंड में। केरल की बात की जाए, तिरुवनंतपुरम है कैपिटल, 1 नवंबर 1956 को हुई थी फॉर्मेशन। पिनराई विजयन है मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल। 141 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं लोअर हाउस की और यहाँ पर 9 सीट है अपर हाउस की, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 14। चीफ ऑफ जस्टिस हैं ये हैं यहाँ पर मणि कुमार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश की किस सरकार में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह किया गया है झांसी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जो महीने भर तक चलेगा यह महोत्सव, झांसी महोत्सव, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें झांसी के अंदर, यह जो महोत्सव है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, यह 1 महीने तक चलने वाला प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों को स्ट्रॉबेरी खेती के लिए यहां पर प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि लाना, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल है गवर्नर, गोविंद माथुर है यहां पर मुख्य न्यायाधीश, बारह सिंगा है राजकीय पशु, सारस है पक्षी और प्लास है यहां पर फूल, वृक्ष है अशोक। 80 सीटें लोकसभा की, 31 सीटें राज्यसभा की, विधानसभा की 404, और एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। किस देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी जिसका नाम है K2, जिसे हम गोडविन आइस, यहां पर गोडविन आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं, पर चढ़ाई पूरी करके यहां पर जीत हासिल करी है, ये की है बी, ए सॉरी आपका ए आपका करेक्ट होगा, नेपाल। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। देखो, नेपाल की पर्वतारोही दल जो है 16 जनवरी 2021 में सर्दियों के मौसम में K2, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहां पर, और ये इन्होंने यहां पर चढ़ाई है वो यहां पर करी है। और K2 दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, मैंने फर्स्ट नहीं पूछा। और याद रखना कि K2 जो है यहां पर वो भारत के डिस्प्यूटेड एरियाज में आते हैं, तो भारत की ये काउंट नहीं होगी। आपको सेकंड हाईएस्ट बता नहीं, लेकिन कितने लोग कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं बिना सर्च के, है ना। द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है राम सेवक शर्मा ने। योर बेस्ट डे इन टूडे अनुपम खेर की बुक है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर की बुक है। ओ मिजोरम, ये है यहां पर पीएस श्रीधरन पिल्लई की बुक। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल की बुक है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की बुक है। इसके अलावा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021, नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। अजमेर के रहने वाले हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, और इन्होंने 20 वर्षों से समर्पण भाव से यहां पर कार्य करने में यहां पर जुटे हुए हैं, और वे सड़क सुरक्षा कानून विषय पर पीएचडी करने वाले देश के पहले व्यक्ति बने हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021, जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021, इसका आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लद्दाख में। 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर का जो सत्र है वो यहां पर प्रारंभ होगा। 13 दिनों तक ये जो गेम, ये जो फेस्टिवल है वो यहां पर चलने वाला है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है यहां पर, ठीक है। इसमें नए खेल युग की शुरुआत यहां पर होगी, और इसका भारत का प्रतिनिधि करने के लिए यहां पर शीतकालीन खेलों में अपने कौशल को बढ़ावा देने के लिए यहां पर स्थानीय युवाओं में उत्साह भरना यहां पर इसका मोटिव रहेगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है ये बेसिकली पहला सबसे बड़ा यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे बड़ा यहां पर
यूटी है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, पहले यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार का नाम आता था, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो वो भी याद रख लेना कि वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है, निकोबार। और यहां पर राजधानी है लेह और कारगिल, गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। पंकज मित्तल जो है यहां पर वो है जस्टिस। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ए कैरोलिना मारिन ने। थोनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 यहां पर सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया यहां पर। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WF यहां पर BWF जो है इसके द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था ये, तो ये भी याद रख लेना। पुरुष श्रेणी में यहां पर विक्टर एक्सेलेस जो है इन्होंने यहां पर डेनमार्क के हैं, इन्होंने यहां पर किसको हराया है? ये है एंग्स लॉन्ग, इनको हांगकांग के, इनको यहां पर हराकर, और इन्होंने यहां पर अपना जो विक्टर है इन्होंने यहां पर पुरुष एकल का खिताब जीता है। कैरोलिना ने हराया है यहां पर ताइन ट्यून ज्यूइंग को, ये जो ताइवान की है, और इन्होंने यहां पर जो कैरोलिना है इन्होंने यहां पर महिला श्रेणी का खिताब जीत लिया है। किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा प्रकाश गुप्ता को। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण में ऑस्कर विजेता विक्टोरिया स्टोरारो को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किसने की है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1000 लाइक का वीडियो का टारगेट रखते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।